फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अर्चना महादेव भक्ति चैनल में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो सब्जी बनाने जा रही हूँ वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है कटेरी परवल। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत फ़ायदा करता है फ्रेंड्स, और हम सभी को ये सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि मौसम वाली चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, हेल्थी फुल होती हैं, और हमें हर चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हमारे अंदर सारे विटामिन, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, किसी चीज़ की कमी ना हो। हमें सभी सब्ज़ी खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मौसम वाली सब्ज़ी तो हमें ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो हमने तेल रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, और इसमें अब तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे लहसुन और मिर्च कट करके। देखिए, लहसुन मिर्चा डाल दिया है, ये गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सब्जी। फ्रेंड्स, ज़रूर एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो बार बार आप सोचेंगे कि मैं इसी तरह से बना के खाऊँ। सिंपल तरीका है और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसमें जब भी ये सब्जी बनाएं तो हमें सरसों के तेल में ही बनाना है, तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। चलिए अब इसको हम ढक देते हैं, और जब भी बनाइए आप तो इसको सरसों के तेल में ही बनाइए, तभी ये और टेस्टी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं नमक। ये देखिए, हम नमक डालते हैं। नमक आप अपने स्वादानुसार रखें। इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है फ्रेंड्स। देखिए, ये है ना बिल्कुल सिंपल और बहुत ही टेस्टी। थोड़ी देर इसको और पकाते हैं, ये थोड़ी और क्रंची हो जाए, ताकि ये कुरकुरी और भी मज़े आए खाने में। मुझे तो ये बहुत पसंद है, पर ये हमेशा नहीं मिलता फ्रेंड्स। इसका मौसम होता है तभी ये मिलता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, इसको हम लोग को ज़रूर बना के खाना चाहिए। मैं तो सभी मौसम वाली चीज़ें बना के खाती हूँ, और अपने घर वालों को भी खिलाती हूँ। नहीं खाती तो मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, बस छट से वो लोग खा लेते हैं। ये लीजिए, कुरकुरी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, है ना कुरकुरी, ये देखिए। तो चलिए हम गैस को कर देते हैं ऑफ, और इसका मजा लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा फ्रेंड्स, और मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये सब्ज़ी आप लोग को कैसी लगी।